वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। लंदन आ रहे हो और सारे सारे वीरो कोई भाजपा कोई भी। नमस्कार, मैं अमर, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर बड़ी साजिश का कोई हिस्सा, इसे लेकर कई सवाल है और जवाब भी अभी तलाशे जा रहे हैं। लगातार पंजाब सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है, हालांकि चन्नी ने इसे सिरे से नकार दिया और अपने खिलाफ साजिश लगातार वो बताते हुए आ रहे थे। लेकिन इसी बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सभी लोगों की पोल खोल कर रख दी है। जी हाँ, ड्रग्स केस में कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद अकाली दल के नेता विक्रमजीत मजेठिया ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक को उन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करार दिया है। विक्रमजीत सिंह मजेठिया ने पंजाब फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा चूक को प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करार देते हुए इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। अकाली दल ने कहा है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब के पूर्व डीजीपी ने प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची थी। अकाली दल ने कहा है कि इसके प्लानिंग सीएम ऑफिस से भी की गई थी और पंजाब पुलिस सरकार के दबाव में है। अकाली दल की तरफ से कहा गया है कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या कराने की साजिश पूरी तरीके से रची गई, लेकिन प्रधानमंत्री की किस्मत अच्छी रही कि वो बच गए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के सुरक्षा चूक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और लगातार पंजाब सरकार इसमें घिरते हुए नजर आ रही है, चाहे वो डीजीपी को लेकर हो या फिर 1-to-1 जिस तरीके से यहाँ पर पूरा प्लान यहाँ पर रचा गया था उसको लेकर। हालांकि किसान आंदोलन के जो नेता है उनके भी तरफ से कई बयान आए हैं कि इसमें उन्हें पता नहीं था कौन आ रहा है कौन नहीं, लेकिन कई सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि चन्नी और वहाँ के जितने डीजीपी या पुलिस अधिकारी हैं उन्हें पूरा प्लानिंग करी थी मोदी को फ्लाईओवर पे फंसाने के लिए, लेकिन मोदी की किस्मत अच्छी रही कि वो बच गए। लेकिन जो भी इसमें शामिल है, जो भी पीएम मोदी को मारने की साजिश रचा था, उसकी किस्मत भले नहीं अच्छी हो क्योंकि उस पर लगातार अब कार्रवाई की जा रही है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।